हेलो दोस्तों, investing.com में आपका स्वागत है। इन्वेस्टिंग व्यू दोस्तों हमने शुरुआत की है, इसमें आज हम IPO के बारे में देखेंगे, हाउ टू अप्लाई द IPO। दोस्तों IPO कैसे अप्लाई करना है आज आपको मैं लाइव यहां पे करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इन्वेस्टिंग व्यू को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको लेटेस्ट यहाँ से वीडियो मिल सकें। ये वीडियो रिलेटेड रहेंगी, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड रहेंगी, IPO से रिलेटेड रहेंगी, और इसमें हमको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब चीज़ें आपको वीडियो में मिलेंगी। दोस्तों चलते हैं अपने टास्क पे। आज का हमारा टास्क है, हम IPO को कैसे अप्लाई करेंगे नेट बैंकिंग के थ्रू। तो पहले है लॉग इन टू नेट बैंकिंग, फिर गो टू इन्वेस्टमेंट सेक्शन, अपर द सेलेक्ट डिपॉजिटरी NSDL CDSL, एंटर द डीमैट अकाउंट नंबर, एंटर द DP नेम, एंटर द ऑप्शन कट ऑफ प्राइस। ये चीज़ें होती हैं दोस्तों जो कि रिक्वायर होती हैं एक हमको IPO को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों इन चीज़ों को हम आज लाइव देखने वाले हैं। हमारे पास जो नेट बैंकिंग अकाउंट हम उस पर चलते हैं और आज आपको दिखाते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों हमने अपने नेट बैंकिंग को लॉगिन कर लिया है, हमारा नेट बैंकिंग अकाउंट ICICI बैंक हमारा अकाउंट है, हमें लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे जाना है हमको, किस सेक्शन में जाना है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस है। तभी जितने भी अकाउंट आएंगे सब भी इन्वेस्टमेंट का एक सेक्शन आता है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे जाना है। इन्वेस्टमेंट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्ट ऑनलाइन के यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, इन्वेस्ट ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे इन्वेस्ट ऑनलाइन की वजह से क्लिक करता हूँ मैं, एक नया डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ ओपन हो चुकी है, आप लोग देख रहे हो ध्यान से। इसमें आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है। जैसे मैंने स्क्रॉल किया, यहाँ पे आ रहा है ऑनलाइन IPO राइट इशू कॉल मनी, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमको क्या करना, IPO को देखना है, तो IPO हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ जाता है, IPO राइट इशू और कॉल मनी। तो हम प्रोसीड करना है IPO के लिए। अब मैं यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद टर्म्स कंडीशन आपको एक्सेप्ट कर लेनी है और यहाँ से सबमिट कर देना है आपको। सबमिट करने के बाद आपको आगे चलना है, अगले प्रोसेस में प्री कन्फर्मेशन आ जाता है। यहाँ पर प्री कन्फर्मेशन में प्रोसेस कर दीजिए। प्री कन्फर्मेशन करने के बाद देखिए हमारे सामने कितने अभी IPO करंट में ओपन है, उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। VA डिटेल्स जो है आपको ध्यान में देनी है, यहाँ पे GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है और एक क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दो तरह के IPO हमारे पास है। बिडिंग इनमें 17 की एक में, लार्ज साइज एक का 16 का है, ठीक है, ध्यान में रखना है। मिनिमम बिडिंग जो है यहाँ पे 17-16 की आप कर सकते हैं और 14,000-15,000 रुपए की बिडिंग है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे गो पे क्लिक करना है, ठीक है। जिस IPO को आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको गो पे क्लिक करना पड़ेगा। GR इंफ्रा के लिए 17 का लाड है, तो पहले हम GR इंफ्रा प्रोजेक्ट को देखेंगे। तो हम चलते हैं GR इंफ्रा प्रोजेक्ट को, यहाँ पर हम गो पे क्लिक कर देते हैं आपके सामने। लाट साइज आपको ध्यान रखना कितना का है, 17 का। तो यहाँ पे हमने गो पे क्लिक किया, देख इंटरनेट प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है। दोस्तों गो पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड एक ओपन हो जाता है, यहाँ पे अप्लाई GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको डिटेल्स यहाँ पे सब आ चुकी हैं। यहाँ पे आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल हैं, अदर इन्वेस्टर हैं, तो हम रिटेल ट्रेडर में हम लोग आते हैं। यहाँ पे NSDL CDSL जो आपकी डिपॉजिटरी की मैंने बात की, डिपॉजिटरी आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने डिपॉजिटरी यहाँ पे CDSL है, मैं उसको सेलेक्ट कर दिया हूँ। DP ID आप नहीं मांगेगा, डीमैट अकाउंट नंबर मांगता है, DP ID जिसको बोलते हैं, ये DP ID मैं अपने डाल देता हूँ। जिसका जिसमें अकाउंट है, अकाउंट के सेक्शन में DP ID मिलती है, तो आप जाएंगे वहाँ पर प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे मेरी DP ID अब स्टॉक की मैं डाल रहा हूँ अपनी, ये मेरी DP ID है। यहाँ पे अपना मैं नाम डाल दूँगा, जो हमारा नाम है, यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया। नाम डालने के बाद यहाँ पे कट ऑफ प्राइस, ठीक है, कट ऑफ प्राइस कितने का है, ऑटोमेटिक कट ऑफ प्राइस चीज सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए 837 रुपये है। क्वांटिटी कितने की समय से हमने देखी थी, 17 की देखी थी हम, 17 क्वांटिटी यहाँ पे इंटर कर दी। यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देख रहे हैं ना। दूसरा आपका टॉप प्राइस दूसरा भी डाल सकते हैं, दूसरे में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, बिट दूसरी लेनी है आपको, ठीक है। या कि यहाँ पे अगर आप अपने से डालना चाहते हैं तो 837, 840,
यहाँ पे 17 कर देंगे, यहाँ पे आप अभी 840 भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बिड में 17 करके आप यहाँ पे इसको 850 भी कर सकते हैं, ऐसे करके आप अपने बिड को डाल सकते हैं। ये तीन बिड आपकी हो गई, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना आपका 14,000 रुपये दिखा रहा है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कटआप में भी कर सकते हैं, आपको यहाँ से ये सबमिट कर देना है। यू मस्ट स्पेसिफाई द रेट बिटवीन द 828 से 837 दिया गया, हमने ज़्यादा डाल दिया है, 828 है मिनिमम, तो यहाँ पे हम 828 कर देंगे और यहाँ पे 837 है, यहाँ पे 835 कर दिए। अभी हम उल्लेख करेंगे, देखिए क्या आता है। अभी यहाँ पे हमारा ओके हो चुका है, अब हमको यहाँ पे कंफर्म करना है, ठीक है। यहाँ पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद एक पूरी डिटेल हम वेरीफाई कर लेंगे। अपना ये अकाउंट नंबर हमारा है, ये मेन इंपॉर्टेंट अकाउंट नंबर ये है, 124,878,00,23,61,23। कन्फर्म करने का, जैसे कन्फर्म करेंगे देखिए आपको एक मैसेज आएगा, योर IPO राइट इशू सक्सेसफुली प्रोसीड, ट्रांजेक्शन नंबर दे दिया, यानी आपका IPO यहाँ से अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ से देखने के बाद ये आपके IPO की जो डिटेल्स हैं यहाँ पे आके देखिए, हमने यहाँ पे देखेंगे आपको एक यहाँ पे आपका आ चुका है, आपने कौन सा IPO अप्लाई किया अभी, तो यहाँ पे GR Infra प्रोजेक्ट का आपका IPO अप्लाई हो चुका है। दोस्तों आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी कि आपको IPO को कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों तक पहुँच सके और इसका उपयोग कर सकें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।